हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम सबस्ट्रिंग और स्ट्रिंग शफल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंटेक्स है सब str सबस्ट्रिंग ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे। मीन्स हम ब्रैकेट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे। जो पहला पैरामीटर उसका होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋषभ कपूर, और सेकंड पैरामीटर हम एक डिजिट लिखेंगे। मैं जैसे यहां पे लिखता हूं 6। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको एको करवाता हूं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। एको, तो आप देखेंगे इसने कपूर प्रिंट किया। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ऋषभ कपूर फ्रॉम websofttutorials.com, तो आप देखेंगे कपूर फ्रॉम websofttutorials.com। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूं ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे हमने यहां पे 6 लिखा, ये फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स को छोड़ देगा। मींस ये फर्स्ट 6 कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करेगा, ये उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी स्ट्रिंग है, ये उसको प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहां पे अगर यहां पे 8 लिखता हूं, तो आप देखेंगे फर्स्ट 6 हो गए ऋषभ नाम के कैरेक्टर्स, उसके बाद एक स्पेस, ये स्पेस को भी एज ए स्ट्रिंग ही इंक्लूड करता है, उसके बाद के। मीन्स ये फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को छोड़ देगा, उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग है ये उसको प्रिंट कर देगा। फ्रेंड्स ये हमने इसमें अभी हमने 2 पैरामीटर्स यूज किए, एक तो स्ट्रिंग, एक हमने एक डिजिट यूज किया। हम एक और पैरामीटर इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कॉमा डाल के एक और पैरामीटर यहाँ पे 0 यूज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए होता है। जैसे मैं आपके आपको समझा देता हूँ। पहला आ गया स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग एंटर की। सेकेंड होगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इंडेक्स, और थर्ड होगा लेंथ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने रखा 0 और लेंथ रखी 8। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे वर्क करेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स r है 0 पे, मींस आपको पता है इंडेक्स जो है 0 पे स्टार्ट होता है। मींस ये 0 से स्टार्ट करे और पहले 8 कैरेक्टर्स को प्रिंट करे। पहले 8 कैरेक्टर्स में से 6 हो गए ऋषभ नेम के, एक स्पेस आ गई और एक के। तो आप देखेंगे, तो अगर मैं यहां पे 12 करता हूं तो ये फर्स्ट 12 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां पे 1 कर देता हूं, आप देखेंगे अब ये फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होगा। फर्स्ट इंडेक्स है आई पे, है आई मीन्स 0 है, आर है 0 इंडेक्स पे, आई है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे ये आर को छोड़ देगा और उसके अगले 12 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। मीन्स 5 ये हो गए, 6 स्पेस, 7 8 9 10 11 12, और कपूर तक हो गए 12 कैरेक्टर्स। मींस इस तरह से सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि इसका मेन यूज कहां पे किया जा सकता है। मींस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा हम, जिसमें हम रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे, जिसमें हम सबस्ट्रिंग फंक्शन को यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स हम एक और स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग शफल। उसका सिंटेक्स है str_ शफल। ये किसी स्ट्रिंग को शफल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूं, मैं लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो अगर अब मैं इसको एको करता हूं, तो आप देखेंगे तो ये जो भी स्ट्रिंग है ये इसको शफल करेगा। मीन्स जितने भी करेक्टर्स हैं आप देखें शफल हो रहे हैं, ये इनका ऑर्डर अपने आप चेंज होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था स्ट्रिंग शफल और सब स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन दोनों की मदद से एक रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।